सो आज का जो टॉपिक है वो है नाजा ट्राइपेडिन्स 200। क्या इसके यूजेस होते हैं और क्या वाकई में इसको स्नेक बाइट्स के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो नाजा ट्राइपेडिन्स 200 एक प्रकार की एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिकेशन है जो कि कोबरा स्नेक के विनोम से बनाई जाती है। मीन्स जो कोबरा स्नेक होता है उसके जहर से बनाई जाने वाली एक दवा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो कोबरा स्नेक होता है, ये जितने विषैले सांप होते हैं, इनकी जो दवाइयों की जो एक थेरापेटिक वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। इसके कारण ये बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है इन्हें। और जो नाजा ट्राइपेडिन्स 200 है, ये मेनली आपके हार्ट पे इसका बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन होता है, लंग्स पे, उसके अलावा अगर आप देखेंगे नर्व्स पे, और हमारी जो पर्टिकुलरली जो वुमेन के अंदर ओवरीज होती हैं उसके अंदर भी एक इसका स्पेसिफिक एक्शन होता है। मीन्स मेंसेस में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है एक वुमेन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी कोई प्रकार का सांप काटता है, चाहे वो हार्मलेस होता है या फिर डेडली हो, इवन अगर आपको हार्मलेस सांप काटता है तो एक बॉडी के अंदर एक एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, या उस पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पे वो काटता है वहाँ पे रेडनेस महसूस हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सांप काटने के दौरान आपको आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस पर्टिकुलर स्नेक ने हमको बाइट किया है, क्योंकि उसी के दौरान ही आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। आप किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आप जाएंगे तो एक स्नेक का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके आइडेंटिफाई होने के बाद ही वो आपको पर्टिकुलर एंटी विनोम, एंटी स्नेक विनोम देता है जिससे पेशेंट को रिलीफ हो जाती है। और बहुत सारे मिथ होते हैं झाड़ फूंक के जो कि काफ़ी काम नहीं आते हैं। अगर पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो इसमें मेडिकेशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एंटी स्नेक विनोम बहुत ही असरदार होता है इसके अंदर। इसके अलावा जो सांप जब काटता है तो इसके जो पॉइजन होता है उसको भी क्लासिफाई किया जाता है, बट आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो हेमरेजिक और न्यूरोलॉजिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जब सांप के अंदर जो पॉइजन होता है उसकी टेंडेंसी होता है, अगर वो हेमरेजिक होता है पॉइजन जो होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके शरीर में जिस पर्टिकुलर साइट में उसने काटा है वहाँ पे ब्लिस्टर्स या फफोले टाइप में आ जाते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में रेडनेस सी महसूस होती है और पेशेंट को ड्राउजीनेस सा फील होता है, मींस नींद सी आना चालू हो जाती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर एक सिम्टम्स होते हैं जो दिखते हैं, और फिर वो पर्टिकुलर जहर किसी पर्टिकुलर साइट में पहुंच जाता है जैसे कि किडनीज़ में, जिसको नॉन फंक्शनल बना देता है, तो जिसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। और न्यूरालजिक के केस में शरीर के अंदर पैरालिसिस हो जाता है, और इवन जो चोकिंग, जो खाना खाने में जो मसल्स इस्तेमाल होती हैं वहाँ पे चोकिंग महसूस हो जाता है या सफोकेशन महसूस हो जाता है, तो उससे भी पेशेंट की जान चली जाती है। तो इसमें जो टाइम का इम्पोर्टेंस होता है एक स्नेक बाइट में, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। हर साल लगभग लगभग 46,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है स्नेक बाइट से भारत के अंदर, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। इसलिए किसी भी मिथ पे बिलीव करने से ज़्यादा बेटर है कि एक एंटी स्नेक विनोम इसमें प्रोवाइड किया जाए और एक हेल्दी ट्रीटमेंट हो जिससे पेशेंट को बचाया जा सके। और नाजा ट्राइपेडिन्स पर्टिकुलरली सांप के जहर में इस्तेमाल नहीं की जाती है, इसके बहुत सारे स्पेसिफिक और यूजेस होते हैं। और अब हम जाने कि क्या नाजा ट्राइपेडिन्स 200 के यूजेस होते हैं। तो यूजेस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो इसका इम्पोर्टेंट यूज़ होता है वो होता है हार्ट कंप्लेंट्स में। किसी भी प्रकार की अगर हाइपरट्रॉफी हार्ट के अंदर हो जाता है या एब्रेजन हो जाता है वॉल्व्स के अंदर, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स हार्ट कंप्लेंट में काफ़ी अच्छे से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन अगर पेशेंट को माइग्रेन या फिर हेडेक की समस्या हो तो भी नाजा ट्राइपेडिन्स 200 का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को साइकेट्रिक डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो, मींस अगर उसको एंग्जाइटी महसूस हो रही हो या डिप्रेशन महसूस हो रहा हो, तब भी इस दवा का काफ़ी अच्छा रोल हो जाता है। इवन अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अगर आपके ईयर में स्पेसिफिकली स्वेलिंग आ रही है या पस का डिस्चार्ज हो रहा है, ओटोरिया की समस्या हो रही है, तब भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन ये ड्राई कफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पेशेंट को ड्राई कफ की महसूस हो रही हो, मींस अगर उसके प्लगी म्यूकस टाइप में अगर बन रहा होता है म्यूकस, तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है। और ज़्यादातर देखने को ये भी मिलता है इसके अंदर कि इसका रोल जो होता है वो काफ़ी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर पेशेंट को अस्थमा की भी समस्या होती है तो भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इवन जब सांप के काटने के कारण क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस टाइम पेशेंट को फियर महसूस होता है।
और वो फ्राइट में आ जाता है तो उसके कारण उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी दिक्कतें होना चालू हो जाती हैं, हार्ट रेट तेज हो जाती है तो हार्ट अटैक होने का भी डर होता है। इसलिए पेशेंट को उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा ना सोचें, वरना उसी टाइम ही आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसको उस पर्टिकुलर एरिया में स्वेलिंग महसूस होती है और इन्फ्लेम्ड एरिया हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा उसको जलन महसूस हो रही होती है अंदर से, और उसकी बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन महसूस होता है उसको, और जो वास्कुलर डिजनरेशन होता है वो भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि सही वक्त पे आप पर्टिकुलर हॉस्पिटल में पहुँचे और एंटी स्नेक विनोम लें और किसी भी मिथ या किसी भी पर्टिकुलर दवा का विश्वास ना करें। So hope you like the video. Thank you, friends.